हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट बनने के बाद में उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज मिलता है। इस वीडियो के अंदर मैं पूरा के पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और इस वीडियो को कहीं पर भी आप स्किप ना कीजिएगा, पूरा के पूरा वीडियो देखिएगा। अगर पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हो, हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो, तो पक्का आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इस वीडियो के अंदर में जो बात करने वाले हैं, यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट सिलेक्शन होने के बाद, उनका बेसिक ट्रेनिंग होने के बाद में उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज मिलता है, उसमें भी बेसिक फैसिलिटीज के बारे में हम लोग बात करेंगे और विवरण से बात करेंगे। इस वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन आपकी पूरा की पूरा जानकारी मिलेगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले यूपीएससी जो सीएपीएफ की नोटिफिकेशन निकालता है, वो आपकी 5 फोर्सेस में निकालते हैं, जैसे कि आपको बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ, ये 5 फोर्स में आपको असिस्टेंट कमांडेंट की एक ही एग्जाम में आपको इनवाइट करता है कि भाई फॉर्म भरो और इसमें आपकी जो आपकी मेरिट आता है और आपकी कैपेबिलिटी जिसमें है उसमें आप सिलेक्शन हो जाता है। मेरिट के हिसाब से आप जो है कैसे कैसे आपकी परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आपको फोर्स मिलता है। आपकी जो डेफ है, आप कैसे बढ़ते हो, कौन सा प्रेफरेंस पहले देते हो, आपको उस हिसाब से आपको मिलेगा। ये तो बात सही है कि भाई आप सिलेक्शन भी हो गया और उसके बाद में ट्रेनिंग भी हो गया, उसके बाद में आपको जो है फैसिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसी के बारे में आते हैं। तो इसमें आपको तो पता चल गया कि भाई 5 फोर्स हैं, तो यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ कि 4 फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट की काम सिमिलरली होता है और जो 5वां फोर्स है उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि 4 फोर्स कौन सा है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी। ये चारों फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट की जो बेसिक ड्यूटी, उनको जो बोलते हैं, उनकी जो रैंक, जो मेन काम दिया जाता है, कंपनी कमांडर का काम दिया जाता है। एक कंपनी में लगभग किसी किसी फोर्स में कम रहता है, किसी किसी फोर्स में ज्यादा भी रहता है। एक कंपनी में मिनिमम तो आपको 125, किसी किसी में 137, 136 ऐसे भी कंपनी कमांडर जो एक कंपनी का नफरी रहता है। मतलब कि मैं बात करना चाहता हूँ कि 125 प्लस की बात कर रहा हूँ, तो उतना तो कम से कम आपको 125 प्लस मेंबर्स को कैपेबल, मतलब आपको उनको चलाने का हर चीज की पावर आपको दिया जाता है। पावर की बात कर रहा हूँ कि मैं उन्हें, आप जो है क्या करना है, उनसे ट्रेनिंग कराना है, ड्यूटी कराना है, क्या क्या कराना, वो सारा चीज जो है आप डिसाइड करते हो। जो असिस्टेंट कमांडेंट बनता है वो जो है कंपनी कमांडर का रोल निभाता है, तो उनको जो भी आपको ऑर्डर्स देना, जो भी देना है, वो तो आपकी है ही है, ड्यूटी है। और हम फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो उस कंपनी में जितना भी आपकी एरिया होता है, ठीक है, उस एरिया में घूमने के लिए आपकी ऑफिशियल पर्पस के लिए एक व्हीकल मिलता है। मैं थोड़ा डाइवर्ट लेके आपको पूरा समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो आप डाइवर्ट नहीं होना कि भाई आप जो बता रहे हो कि फैसिलिटीज के बारे में और ड्यूटीज के बारे में कहाँ बता रहे हो, तो मैं आपको समझाने के लिए पूरा के पूरा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। तो जितना भी एरिया आपकी ड्यूटी रहता है कंपनी का, उस एरिया को और आपकी ऑफिस का, कंपनी का ऑफिस है, उसमें घूमने के लिए आपको एक व्हीकल दिया जाता है। वो उसके साथ में आपको एक तो ड्राइवर तो मिलेगा और डिस्टर्बेंस एरिया में आपके साथ में एक असिस्टेंट भी आएगा, जैसे कि आपको आर्म सपोर्ट देने के लिए, कभी कहीं इनकेस जो आपके नक्सल एरिया है या बॉर्डर एरिया में कुछ आपको आपकी जान का खतरा हो सकता है, वहां पे जो आपको आर्म सपोर्ट भी एक बंदा को या दो बंदा भी आपकी गाड़ी में आएगा आपकी सपोर्ट के लिए, मतलब आपकी सुरक्षा के लिए। सपोर्ट की बात कर रहा हूँ कि सुरक्षा के लिए, ठीक है। इसी बात में हम लोग बात करते हैं सीआईएसएफ के बारे में बात करते हैं, तो जो 4 फोर्स मैंने बताया था, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इनमें असिस्टेंट कमांडेंट एज ए कंपनी कमांडर का रोल करता है। सीआईएसएफ में जो है कंपनी कमांडर का जो रोल करते हैं वो इंस्पेक्टर करता है। इंस्पेक्टर माने एसएससी सीपीओ से सब इंस्पेक्टर बन के 10-12 साल सर्विस करने के बाद में उनको 3-स्टार विथ चिंदी का एक रैंक मिलता है, उन्हें इंस्पेक्टर बोला जाता है, उनको दिया जाता है कंपनी कमांडर का रोल। और सीएसएफ में जो असिस्टेंट कमांडेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं और जो भी ड्यूटीज वगैरह, मतलब डिप्लॉयमेंट वगैरह करते हैं, उनको देखरेख करता है, ठीक है। उनका जितना भी ट्रेनिंग्स है, जितना भी ड्यूटीज जो अलर्ट करना है, कहाँ कहाँ पे ड्यूटी अलर्ट करना है, सब चीज जो है उनको, और जिसको जिसको छुट्टी भेजना है, किसी का ऑफिशियल कुछ परफॉर्म, ऑफिशियल कुछ
चेंजेस है और ऑफिशियल कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, कीपिंग करना, वो सारा चीज जो है असिस्टेंट कमांडेंट की निगरानी में जो है होता है। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे यूनिट कमांडर का भी रोल करता है असिस्टेंट कमांडेंट सीएसएफ में। सीआरपीएफ बीएसएफ में अलग अलग है, उनके बारे में हम जो है जब बात करेंगे उस चीज के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो व्हीकल मिलते हैं सीएसएफ में भी, जो भी असिस्टेंट कमांडेंट है उन्हें भी व्हीकल मिलता है, वो अपना ऑफिस की जो वर्क है उसमें यूज करने के लिए मिलता है 100%। ठीक है, और हम बात करते हैं नेक्स्ट की जो रहने की सुविधा। रहने की सुविधा में हम बात करते हैं फैमिली के साथ जो रहते हैं उन्हें 3 BHK आपको मिल जाता है। 3 BHK मैंने आपको 3 बेडरूम का सुविधा वाला जो है क्वार्टर मिलता है, तो बहुत अच्छा स्पेस रहता है। ऐसा नहीं कि भाई एकदम 3 BHK तो आपको आराम से जो है अपने परिवार के साथ में, आपका मदर फादर सब जो है पेरेंट्स के साथ में भी आप रह सकते हो। बहुत अच्छा सुविधा मिलता है, उनका वाटर वगैरह करंट वगैरह फैसिलिटीज भी अच्छा रहते हैं। और आपको अगर आप जो है बॉर्डर आउट पोस्ट में हैं या आपको नक्सल अफेक्टेड एरिया में है, वहां पे जो है क्वार्टर्स की जो हम बात करते हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कुछ कुछ लिमिटेशन रहता है, जहाँ पे हार्ड एरियाज रहते हैं वहां पे जो है अगर आपको फैमिली के साथ अलो है तो आपको 3 BHK लेवल का मिलेगा। अगर नहीं है तो बैचलर रहना है तो उनको जो है अलग बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे आपके फैमिली का जो अलो है वहां पे मैं बात कर रहा हूँ। आप बोल सकता है कि कल का डेट में सर तो सीआरपीएफ में पलाना जो है कंपनी में और बीएसएफ में पलाना जो है बॉर्डर में ड्यूटी करता है उनको तो इतना मिलता नहीं, ऐसा नहीं बात कर रहा हूँ मैं। जहाँ पे फैमिली अलो है वहां पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद में जो है जितना भी आपकी जो मेडिकल फैसिलिटीज है, आपको कुछ भी आपकी परिवार को और आपकी डिपेंडेंट्स को, जैसे कि आपके मदर फादर और जो है आपकी छोटा भाई या बहन, कोई आपकी डिपेंडेंट्स है और आपका वाइफ और बच्चे तो डिपेंडेंट्स ही है, और उनको मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलता है। और बच्चों की एजुकेशन जितना भी है 10+2 तक का एजुकेशन का भी आपको पैसा दिया जाता है। और हम बात करते हैं तो कैंटीन फैसिलिटीज मिलता है। कैंटीन फैसिलिटीज का हम बात करते हैं तो CPC सेंट्रल पुलिस कैंटीन, और आज की डेट में जो है उनका नाम चेंज किया गया है, केंद्रीय भंडार कुछ इस प्रकार का है, उसमें भी आपको कम रेट में आपको फैसिलिटीज मिलता है। ये सारा चीज जो है एक असिस्टेंट कमांडेंट को मिलता है, वेरिएशन करता है किस फोर्स में और किस जगह पे जो है आपको ड्यूटी कर रहे हो उसके हिसाब से होता है। मैं इसमें कुछ ड्यूटीज भी ऐड किया हूँ ताकि आपको समझाने के लिए और कंप्लीट सा इन्फॉर्मेशन दिया हूँ बोल के मैं समझ रहा हूँ। और